तो बेसिकली हम जो डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, हम इसको दो फेज में बनाएंगे, राइट सर? आपको दिख रहा होगा सामने, मैंने एक ट्रायल देख रखा है, ये डैशबोर्ड दिख रहा है। बेसिकली ये भी सेल्स Recording in डैशबोर्ड ही है। progress. तो सेल्स डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे इसका फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके सामने सेल्स डैशबोर्ड दिख रहा है, ये फुल्ली पिवट टेबल से बना हुआ डैशबोर्ड है। इसको हम दो फेज में बनाएंगे, एक पिवट टेबल के थ्रू और दूसरा फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूले और बाकी जो डिजाइन्स होते हैं उनके थ्रू हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, राइट सर? तो सबसे यस सर, पहले हम डेटा को समझते हैं। डेटा क्या है? ये बेसिकली एक सेल्स डेटा है। ये किस डेट को, सेल्स टाइप क्या है, पे मोड क्या है, प्रोडक्ट की है, कैटेगरी, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, इसके बाद कितना परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें और कितना रुपए की प्रॉफिट हुआ है। ओके, किस ईयर में मैन और जो डे है ये हमने खुद निकाला हुआ है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करके एक नई फाइल में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बना हुआ डैशबोर्ड है, बहुत सारे पिवट्स वगैरह लगे हैं, तो बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर यस सर। तो बेसिकली क्या है, सेल्स डैशबोर्ड को लेना है, राइट सर? यस सर। और हम इसको दो फेज में बनाने वाले हैं, पिवट के थ्रू और एक विदाउट पिवट फॉर्मूले के थ्रू। तो अभी हम फिलहाल पिवट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूले वाला पार्ट डिस्कस करेंगे इसकी अगली क्लास में, चाहे इसी क्लास में अगर टाइम बचता है तो। ये हमारा हो गया डेटा, ये हो गई हमारी रिपोर्ट, डैशबोर्ड या रिपोर्ट या डेटा एनालिटिक्स जो भी करना चाहते हैं हमने यहाँ पे कर दिया। और तीसरा जो हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट से ओके तीन शीट हो गया। अब आते हैं इसमें, तो एक एरिया ले लेते हैं जहां तक हमें डैशबोर्ड बनानी है, एक संभावित एरिया लेके, और इसकी बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे ए वाला कलर, ए हाँ इस वाले कलर को कर देता हूँ, राइट सर? अब देखिए किस तरह सर। से हम डिजाइन बना रहे हैं। अभी पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देना है बॉर्डर के तौर पे, और यहाँ आते हैं और हम तीन रो को लेते हैं और इसको मर्ज वगैरह नहीं करते, इसकी बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं वाइट। बट ये इस तरह के चकोए हो गया है, चकोर कर्व नहीं है ना, कर्व कैसे करें? तो कर्व तो नहीं कर सकते, इस सेल को कर्व तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे कर्व दिखाना है। मान लीजिए मुझे कर्व दिखाना है, तो इंसर्ट में, इलिस्ट्रेशंस में, सैप्स, और ए वाली जो सैप्स के आइकन दिख रहे इसको लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। अरे घबराइए नहीं, मैं इसको सैप में जाके जो फिल कलर है उसको कर देता हूँ नो फिल, और इसकी जो सैप कलर है ना ए वाली कलर दे देते हैं, ए वाली कलर, सेम कलर जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, सेम कलर कर देंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दीजिए, तो आपको एकदम से कर्व दिख रहा है चारों तरफ से। यस सर। अब इसकी एक काम और कर सकते हैं, सैप का जो थिकनेस है ना, इस सैप के थिकनेस को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, तो और ज्यादा कर्व आपको दिख जाएगा, ठीक है सर? ओके और यस सर। हमने उसकी बीच की जो कलर नो फिल कर दिया, जिसके कारण हम यहाँ सेल में अपना जो भी फॉर्मूला और जो फॉर्मेटिंग है वो लगा सकते हैं, ओके समझ गए? ओके यस। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करते, पहले हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते, ठीक है सर? यस और ये यहां तक हम इसको लेते हैं, और इसकी भी कलर व्हाइट, और इसमें भी मुझे कर्व चाहिए, तो इसी को कॉपी करते हैं और यहां हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको आगे तक ड्रैग कर देते, ये भी कर्व हो गया, ठीक है? उसके बाद मुझे यहां पे एक लाइन छोड़नी है और यहां से इसको लेना है, दो दो सेल को, हाँ दो कॉलम को, और इसकी कलर हमने व्हाइट कर दिया, और नीचे
एक लंबा सा लेके इसका भी कलर व्हाइट कर देना है। और मुझे कर्व सब में चाहिए, तो इसी को हम कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, डैशबोर्ड बनाने में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करने में सर। यस सही है। फॉर्मेट तैयार होगी तो फॉर्मूला में और बाकी चीजों में उतना टाइम नहीं लगता है अगर आपको चीजें पता हो तो। हाँ, पता जब नहीं होती है तो टाइम लगता है, लेकिन जब चीजें पता हो तो फॉर्मेटिंग जैसी आपकी खत्म हुई आप फटाफट 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 अपना काम कर लेंगे। क्या थी जी, सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। और ये पीवोट वाला जो आपने लास्ट क्लास में जो टेक्निक दिखाया था वो तो बढ़िया है, इससे तो हाँ, वो काफी ये भी ज्यादा। क्लास वही है, लेकिन इसमें हम लोग कर रहे हैं कि दो पिवट को भी यहाँ यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं और साथ में हम फॉर्मूले को भी कर रहे हैं। इसलिए पहले मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं कर लूंगा कॉपी ताकि इस पे हम फॉर्मूला भी लगा सकें, ठीक यस सर। है। और इस वाले कॉलम को कर देता हूँ छोटा एक बॉर्डर गैप के लिए, और फिर मैं तीन तीन 3 बाई 3 का हम लेते हैं, 3 रो 3 कॉलर यहाँ ले लेते हैं। फिर बीच वाला जो कॉलर है इसको छोटा कर देता हूँ, फिर ये भी हमारा 3 बाई 3, फिर कॉलर जो है यहाँ पे इसको करूंगा छोटा, और यहां भी हम 3 बाई 3 लेंगे। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम, और ये जो है थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां छोटा हो गया क्योंकि हमने कॉलम वगैरह छोटा किया ना, तो छोटा हो गया। फिर कर्व को लेके बड़ा कर देते, उसके बाद यहाँ हमें दो चाहिए टॉप टॉप, एंड इसके लिए मुझे दो ये चाहिए, इसे यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है ना? तो इसके लिए भी हम यहाँ इस पहले इस कॉलम को छोटा करते हैं, दो दो का ज्यादा नहीं, बस इतना ही लेता हूँ, ठीक है। हाँ, और फिर इसको छोटा किया, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए ना, ये तो स्टाइलिश होगा क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर अच्छा एक कर्व, इस पे कर्व लगा देता हूँ, इसका कर्व लग रहा है डिलीट हो गया, मूव हो गया, माफ कीजिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखेगा। और क्या क्या सर? हाँ वैसे बट ये एक नया अच्छा टेक्निक हाँ नहीं, बच्चे क्या, बच्चे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वो कैसे कर्व आ गया आप, हम में कर्व नहीं आ पा रहा है, तो उनको थोड़ा सा समझाना होता है कि बेसिकली कोई अलग एक्सल नहीं है, अलग चीज नहीं है, कुछ ऐसा चीज नहीं है, ये सेम चीज है, है। यस बस उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक अपनाया हुआ है। और क्या क्या यस ये थोड़ा सा माउस पॉइंटर भी आपके पास थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, ओके। अब इस पे इसका अलग होना चाहिए कर्व, तो इसके लिए हालांकि हम बाहर से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन फिर वो इमेज नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाती है आगे इस पे डेटा वगैरह डालने में। तो यहीं पे हमने देखा कि ए है, दिख रहा है ना, यहाँ से इसको लेते हैं और थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, और इसकी जो बैकग्राउंड है इसको कर देते हैं नो फिल, और इसकी टेक्स्ट कलर को हम सेम दे देते हैं, और जो है इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। ठीक है, इसको और बेटर बनाया जा सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, बेटर है सर? ठीक यस सर। अब ये तो हो गई हमारी, अब चलिए इसमें अपना डेटा डालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो टाइटलिंग डालना जरूरी है कि भाई क्या है आखिर, तो इसके ऊपर हम टाइटल डालते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे सेल्स डैश बोर्ड, और इसको थोड़ा सा कलर वगैरह तो आप अपनी साथ चूज कर सकते हो, जो कलर डालना चाहो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कलर में क्या? हाँ यस सर, लेकिन मतलब डैशबोर्ड हाँ के हिसाब से डाले के वो अच्छा रहेगा। हाँ डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम अपना कंपनी नेम डाल दीजिए कि IPT एक्सल स्कूल। ठीक है, अब इस पे इमेज है हमारा सेल्स डैशबोर्ड का, इमेज जो होता है गूगल से कॉपी कर सकते हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप गूगल से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो ये देख पा रहे हैं ना, दिस द स्लाइसर्स, तो स्लाइसर्स लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइसर लगाने के लिए हमें यूज करना होगा अपना पिवट टेबल क्या? सर तो इसके लिए सबसे पहले डेटा पे जाते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके सपोर्ट में आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते। अभी कई सारे पिवट लगाना है तो फिलहाल हम स्लाइसर लगा लेते हैं, क्योंकि एक बार स्लाइसर शुरुआत में आप लगा लेते हैं ना तो बाकी जगहों पे करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या स्लाइसर चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए सेल्स मोड, इसके बाद चाहिए सेल्स टाइप, और ईयर चाहिए और मंथ चाहिए, बस ये तीन चार चीज चाहिए। तो सेल्स टाइप को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, कट करके ले जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे, और यहाँ मुझे सेल्स टाइप रखने की कौन की तरह का सेल्स है, और इसको मैं तीन स्लाइसर में आके तीन कॉलम में कर, तीन है तो तीन कॉलम कर देता हूँ। तो बेसिकली ये सब चीज़ें कब होती है, जब फिक्स होती है ना, अगर आगे चल के अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे फिर हम अलग तरीके से, अब यहाँ मैं इसकी साइज को यहाँ से हाइट को कम करता हूँ तो ये पूरा दिखेगा, और मुझे इसकी कलर अलग चाहिए तो ये हमने अलग कलर ले लिया। ठीक है, अब स्लाइसर का जो बैकग्राउंड है ना, ये लाइनिंग है, नहीं हटने वाला है, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि लाइनिंग हट जाएगा। उसके बाद आता है सेल्स मोड, जो पे मोड, तो यहाँ हम इसमें सपोर्ट में जाते हैं और पे मोड को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कट करते हैं, एक्सेल डैशबोर्ड में आके यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको भी सेम हम दो लाइन कर देते हैं स्लाइसर, और इसको टू लाइन, और इसको हम छोटा कर देते हैं इस तरह से, और ये नहीं दिख रहा है तो इसको हम कम करते हैं राइट, तो ये हमारा दिख जाता है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ भी सेल्स टाइप में ये वाला कलर ले लेते हैं, चाहे अलग कलर ले लीजिए, ये अलग अलग कलर ही सूट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपको? अब बारी आती है ईयर की, तो यहाँ हमें ईयर रखना है, तो हम ईयर वाला कॉलम पे जाते हैं, और अब ईयर को हम वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली रखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा कई साल का हो सकता है,
इसलिए हमने इसका जो डिज़ाइन है वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। और इसको सेलेक्ट करके हम इसको भी कर देते हैं यहाँ पे, और ये रहा थोड़ा तो छोटा कर देता हूँ, थोड़ा तो छोटा। अब फिर स्लाइसर में आते हैं, और स्लाइसर में आने के बाद हम यहाँ इसकी कलर जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो कलर है ही, ये कलर रख लेते हैं, एक हरा ठीक लगता है ना। फिर वापस मंथ पे आते हैं, मंथ वाले स्लाइसर को यहाँ से कट करते हैं। तो डैशबोर्ड देखिए, पिछली रिपोर्ट में हमने क्या किया था कि हमने बाद में स्लाइसर लगाया था, और स्लाइसर लगाने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई थी सर, कि जितने भी हमने पिवट लगाया था सब में जाके स्लाइसर को क्या करना था, लिंक करना पड़ा, राइट सर। लेकिन यहां हमने ये चीज नहीं की, अतीत जी सुन रहे हैं ना, सुना आ रही है। इस बार ये गलती हमने नहीं की है, हो गया। अब इसमें हमारा आता है टोटल सेल्स, ये हमारा टोटल सेल्स आएगा, और टोटल सेल्स आएगा तो उसके लिए हमने एरिया मर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ, और इसके लिए हमने एरिया को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ आता है प्रॉफिट परसेंटेज, और इसमें लिया और इसको हमने ऐसे कर दिया मर्ज। और इस पर कुछ आइकन्स हमने लगाए थे, जैसे कि रुपीज का नोट का गड्डी डाल दिया, देखने में मन हरा हरा हो जाएगा। ये सब गूगल से लिया हुआ है, तो आप भी ले सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना कि हाँ प्रॉफिट में हमने दे दिया कि बोलिए क्या बोले सर। गूगल पे कहाँ पे मिलता है ये, गूगल सर्च करके, गूगल इमेज से, गूगल इमेज से लास्ट टाइम बताया था ना आपको मैंने, मतलब गूगल जो मेन पेज है वहां पे ही हम डाल देंगे तो आ जाएंगे। अच्छा मैं एक करके दिखा देता हूँ, चिंता मत, ठीक है। जैसे यहाँ मुझे ये चाहिए टॉप प्रोडक्ट, ठीक है ना, नंबर वन माने कि हाईएस्ट नंबर वन में कौन सा है प्रोडक्ट, ये चाहिए। और ये हमें चाहिए टॉप कैटेगरी, टॉप कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें इसमें यहाँ फिगर होगा, नेम होगा सॉरी, कि किसने किया और कितना किया, इसके नीचे कितना किया फिगर, दोनों को मर्ज कर दिया। इसको भी सेलेक्ट करके इकट्ठा हम मर्ज कर सकते हैं, कहाँ से, मर्ज अक्रॉस से, दोनों मर्ज होगा एक एक करके। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का मैंने नंबर वन का टैग लगाया हुआ, लगाया हुआ ना, इसको मैंने क्या किया कि गूगल पे गया, गूगल पे यहाँ जा रहा है, और यहां जाने के बाद मैं यहां पे विनर आइकॉन सर्च कर लिया, इमेज पे गया, बहुत सारा आइकन मिला, मिला ना सर। इसमें ये आइकन मुझे पसंद आया, आपको कोई और आइकन पसंद आता है तो कोई और आइकन ले लीजिए। मुझे इसमें नंबर वन लिखा हुआ था, तो मान लीजिए इस बार ए ले रख रहा हूँ मैं, ए वाला, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी इमेज किया, और कॉपी इमेज करने के बाद चला आया एक्सेल में, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया सर। अब इसको मैंने किया छोटा, या क्रॉप वगैरह करना है तो क्रॉप वगैरह कर दीजिए, और मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। समझे, अभी
जी समझ में आया आपको कैसे आइकन लेकर आया मैं? यस 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 सर, वो एक्चुअली मैं ना बहुत अंदर तक घूम रहा था, लेकिन ऐसा ही अब करना चलिए, है। अब बात करते हैं अपने फिगर्स पे। सबसे पहले मुझे चाहिए टॉप सेल फिगर्स, और यहाँ पे पिवट टेबल लगा है, और मैंने सिंपल क्या किया कि जो हमारी अमाउंट था उस अमाउंट को वैल्यू में डाल दिया, इसको वापस हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, इसमें अमाउंट के जगह पे हम प्रॉफिट डाल दिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, दो हमारी हो गई। अब मैंने डैशबोर्ड में आया और इसको कुछ नहीं किया है, लिंक करना है, तो यहाँ सपोर्ट पे आया, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, ये लिंक हो गया। लिंक होने के साथ थोड़ा सा मैं इसको अप कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इस पे डॉलर का साइन लगाता हूँ, तो मेरे में तो रुपीज का साइन लगा है, ठीक है ना? क्योंकि तो मेरा जो रीजनल सेटिंग है ना सर, वो इंडिया का है इसलिए। और सेम इसको कॉपी करते हैं, सपोर्ट पे जाते हैं, इसको लेते हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस है तो सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देते हैं, मिडल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इस पे भी रुपीज का सिंबल हम लगा देते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज आता है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा यहाँ राइट में अप में एम भी सेंट्रल करता हूँ, सेंट्रल थोड़ा सा बड़ा, और इसको भी बोल, और इसका कलर जो है ब्लू ले लेता हूँ, कलर सब जो है टेक्स्ट कलर सब अलग कर देता हूँ, आप भी करना चाहो कर रखना चाहो रखो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे टॉप वन कैटेगरी आता है, तो हमने क्या किया कि इसी पिवट को कॉपी किया, अब पिवट को नया से मत लगाइए, कॉपी कीजिएगा, क्योंकि फिर स्लाइसर ऐड करने पड़ जाएंगे। इसमें हम प्रोडक्ट को रखते हैं यहाँ पे रो में, और एक बार और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसमें हम रखते हैं कैटेगरी। अब दोनों को रखने के बाद हमें करना है क्या, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है? तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है सर, यहाँ पे सबसे ऊपर आना चाहिए ना, सबसे पहला लार्जेस्ट, ठीक है? तो 15 जो है P16 सबसे पहला है ना, इसलिए ऊपर आ गया, और इसको में भी हम सेम करते हैं। अच्छा मैं एक बार डेटा में देख लूँ, डेटा रैम बिटवीन लगा, अच्छा इसीलिए जो कॉपी करके मैं वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, इसमें भी रैम बिटवीन है माउंट में, ओके हाँ ये सब ठीक। तो अब यहाँ पे एक बार मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई है। राइट क्लिक करना है, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहाँ भी शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब डैशबोर्ड पे आना है, शॉर्ट करने का फायदा ये हुआ कि हम जस्ट अब लिंक कर देंगे, कोई ऐसा टॉप 5 वगैरह का, टॉपर वगैरह का जो फॉर्मूला वगैरह है हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली इस तरह की जो क्लासेज, जो इस तरह की जो चीज़ें होती है उनके लिए होती है, जो एक्सेल में ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, बट पिवट टेबल उनको अच्छे से आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसमें हमने प्रॉफिट तो नहीं रखा हुआ है ना? अच्छा हाँ यहाँ देखिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हटाइए, प्रॉफिट की जगह पे हमारा अमाउंट आएगा, और यहाँ भी प्रॉफिट की जगह पे अमाउंट, सर तो ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि अगर क्या एक बोल रहे पिवोट हैं? टेबल पे मैंने ज्यादातर अच्छा क्या देखा है कि नहीं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं? क्या आवाज हेलो हाँ बोलिए, हाँ, मैंने आप सुन रहा हूँ ज्यादातर सर, ये देखा ये है आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हैं। कि
देखिए यहाँ पिवट टेबल का लगा हुआ था जिस कारण से आरएफ हो गया। तो आप जो है यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सपोर्ट पे और यहाँ एफ टू पर ई वन ई वन नहीं एफ वन होगा एफ टू होगा एफ टू मैनुअली डाल देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और ये हमारा सही है नहीं इसको हाईएस्ट बाई शॉर्ट करना जरूरी है। अब ऐसा करने से देखिए ये वैल्यू तो चेंज हो गई यहाँ पी फाइव आ गया। हाँ पी फाइव सही है और इसको भी शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ भी इक्वल। इस बार गेट पिवट डेटा नहीं लेंगे हम लेंगे अपना जो नॉर्मल है एच टू और नीचे देंगे सपोर्ट आई टू और इसको सेलेक्ट करके दोनों को मिडल कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। दोनों का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर हो गया सर यस ओके। तो स्लाइस सब पे वर्क करेगा ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट करूंगा देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन ऑनलाइन किया आरएफ आरएफ किया। ओवरऑल ऑनलाइन वाले कितने हैं कैश वाले कितने हैं ठीक है सर। सर अब बारी आती है इसमें डेटा फिल करने की। तो सबसे पहले तो मुझे मंथली अपना टोटल सेल्स चाहिए मंथली सेल्स। तो हमने इसको यहाँ पे लिया क्योंकि तो हमने अपने पिवट टेबल में मंथ कैलकुलेट किए हुए हैं तो ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ग्रुप भी कर सकते थे पर ग्रुपिंग में प्रॉब्लम हो सकती थी इसलिए हमने ग्रुपिंग नहीं किया और यहाँ पे हमने मंथ को ले लिया। तो मंथ वाइज सेल आ गया। अब इस पे मैं लेता हूँ अपना चार। तो मंथ से मुझे कंपेयरिंग करना है कि कितना अमाउंट सेल हुआ और कितनी प्रॉफिट। तो फुल फिल लिस्ट में आता हूँ और यहाँ अपने प्रॉफिट को भी नीचे रखता हूँ और फिर इसको राइट क्लिक करके हम राइट क्लिक नहीं यहाँ ऊपर जाके चार्ट में लेके हम कॉम्बो चार्ट लेना चाहते हैं इस बार रहा कॉम्बो चार्ट। अब कॉम्बो चार्ट में ये हमारा इस तरह का आ गई। अब चार्ट का डिजाइन वगैरह चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं जैसे राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जा रहा हूँ और इसके गैप को थोड़ा सा कम करता हूँ। कम करने से क्या होगा कि थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और इसकी जो बैकग्राउंड इसका जो फिल कलर है वो फिल कलर मैं लेता हूँ ग्रीन और ये जो बटन वगैरह है इसको हाइड कर देता हूँ। और ये जो है हमारा ऊपर में रख देता हूँ चौड़ा कर देता हूँ उसको आगे रख देता हूँ। अब इसको यहाँ से कट किया। कट करने के बाद डैशबोर्ड पे आता हूँ और यहाँ मुझे चाहिए यहाँ पे रख दिया थोड़ा सा गैप लेके और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये इसको सेलेक्ट कीजिए इसको बड़ा कीजिए और फिर इसको छोटा कर दीजिए। थोड़ा सा लंबा कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे अब ये हो गई ये चीज। अगला जो आता है हमारा अब अगली चार्ट जो मुझे चाहिए मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल का चाहिए प्रोडक्ट वाइज सेल। तो मैं इसी को सिलेक्ट किया कॉपी किया इसके बगल में पेस्ट करता हूँ पिवट नया लेता हूँ और ये राइट क्लिक करके फिल लिस्ट लाता हूँ और यहाँ से मंथ को हटा देता हूँ और प्रोडक्ट को रखता हूँ। और प्रोडक्ट से मुझे अमाउंट चाहिए प्रॉफिट नहीं चाहिए। और प्रोडक्ट को मैं इस तरह से नहीं दिखाना चाहता मैं एक दो तीन चार इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। तो ये दो जो है दो वाले को लेके मूव कर देता हूँ क्योंकि ऐसे शॉर्ट होगा नहीं वन टू थ्री क्योंकि पी वन टू थ्री है इसलिए। तो आप मूव के जरिए भी हाँ अरेंज कर सकते हैं।
अब रेंज हो गया। अब इस पे मैं बार चार्ट लेता हूं, इस पे मैं पाई चार्ट ले लूंगा, बार चार्ट ले। अच्छा, इसमें प्रॉफिट और ये दोनों कर देता हूं तो अच्छा दिखना चाहिए। मैं फिर लिस्ट पे आता हूँ वापस, और मैं इसकी प्रॉफिट को भी रखता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको मैं लेता हूँ ए वाला चार्ट, नहीं ए वाला नहीं, बटन इसमें इंसर्ट, इसको कट करूंगा। अब प्रॉब्लम है कि इसको मैं यहाँ ऊपर ये साइड में दिखाऊंगा तो काफी छोटा होगा, तो हम इसको यहाँ जो है दिखा कट करके इसको यहाँ पे दिखाएं, क्योंकि यहाँ लंबा नीचे तक मेरे पास जगह है, नीचे तक लेकर आऊंगा। राइट क्लिक करके रिमूव बटन्स कर देता हूँ, और ये सम ऑफ अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट है, इसके उठा के मैं ऊपर में लाइनिंग को सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, चलिए लाइन को क्लिक कीजिएगा, लाइन सेलेक्ट करें, फिर इसको सेलेक्ट करके आगे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो ये पूरा पहले कर देता हूँ, और फिर इसको यहाँ से छोटा करता हूँ, ये बेटर है, थोड़ा ऊपर तक। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट शेयर चाहिए कि तीनों का प्रॉफिट शेयर कितना कितना है, ये चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए कि अमाउंट का सेलिंग जो है वो कैटेगरी वाइज कितना है, तो ये तो ऑलरेडी बन निकला हुआ है ही मेरे पास, इसको बस मुझे अपना चार्ट में डालना है, इसको कट करना है। अब ये देखिए चार्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा ऑलरेडी जो चार्ट है वो बैकग्राउंड व्हाइट है, तो मुझे व्हाइट ही चाहिए, तो और कोई कलर वगैरह इस पर नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और तो गैपिंग रखना सही है। अब इसकी जो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल, और डेटा लेबल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा लेबल, और इसमें मैं परसेंटेज दे रहा हूँ, वैल्यू हटा दे रहा हूँ, तो वैल्यू की जरूरत नहीं है, और इस कैटेगरी ने डाल देता हूँ ताकि पता चले कौन किसका कितना कितना सेल हुआ है। उसके बाद इसी तरह से मुझे यहाँ पे ये आ गई, मैंने यहाँ मंथली देख लिया, मैंने मेरे पास मैं कैटेगरी वाइज शेयरिंग देख लिया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट वाइज सेल और प्रॉफिट दोनों देख लिया। हालांकि इसको थोड़ा सा चौड़ा किया जा सकता था, तो फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके इसकी गैप को थोड़ा सा कम बढ़ा देता हूँ, थोड़ा चौड़ा दिखेगा तो बेटर रहेगा। और ये जो सेल होगा इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये जो कलर है ना, इसको सेलेक्ट करके इसको हम लोग कर देते हैं ए वाला कलर, और प्रॉफिट जो हुआ है प्रॉफिट को सेलेक्ट करके प्रॉफिट को कर देते हैं हम कुछ और कलर, तीन कर देते हैं, और इसके ऊपर ऐड डेटा लेबल कर दीजिए, ठीक है सर, बेटर दिख रहा है ना। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं कि फॉर्मेट डेटा लेबल में जाते हैं और इसकी नंबर पे आते हैं, नंबर में यहाँ हम डाल देते हैं हैश, और यहाँ पे के प्रॉफिट,
तो थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। लेकिन नीचे तक गया तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है सर, अब मुझे वीक वाइज मुझे ये देखना है कि किस वीक में मेरा सेल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वीकली रिपोर्ट भी चाहिए होगा, ताकि मंडे को ज्यादा होता है, संडे को ज्यादा होता है, ये भी देखना जरूरी होता है हमें कंपेयरिंग करते समय, क्योंकि उसी हिसाब से हम वीकली भी प्रिपेयर रहते हैं कि मंडे को ज्यादा सेल होता है तो उस दिन हम सारे स्टाफ को रखेंगे कि हाँ सब स्टाफ होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ फिल लिस्ट पे आते हैं और मंथ यहाँ से हटा के मैं यहाँ से वीक डेटा, डे है हमारे पास, डे को रख देते हैं और डे में हमने रख दिया संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर लिस्ट में मैं यहाँ से इसकी प्रॉफिट हटा देता हूँ, सेल है। और इस बार इसको थोड़ा सा हम ए वाला एरिया चार्ट लेते हैं और यहाँ से कट करके डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ एरिया चार्ट को डालते हैं, राइट क्लिक, हाइड ऑल बटन्स, लाइनिंग को रिमूव कर दिया, इसकी कलर जो है कलर को मैं ले लेता हूँ रेड, रेड का अलग होगा, हल्का कलर देता हूँ, मैप बगरा इस तरह कलर देखा जाता है। टोटल यहाँ हटा दीजिए नीचे तक, ये आता है यहाँ पे टाइटल में डाल दीजिए सेल्स डे एज वीक, और उसके बाद लास्ट जो आता है प्रॉफिट शेयर, इसका कैश का कि हमारा ऑनलाइन है कैश ज्यादा है, मतलब पेमेंट मोर। तो यहाँ पे बस लास्ट चार्ट बन रहा है, राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, सॉरी फिल लिस्ट, और फिर लिस्ट में हमने डे को हटाया और यहाँ पे पेमेंट मोड को रख दिया। और जाहिर सी बात है ये दो है तो इसमें शेयरिंग ही सही रहेगा, तो शेयरिंग के लिए हम कौन सा चार्ट लेते हैं, पाई चार्ट, कट करके वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद सबसे पहले तो इसको राइट क्लिक करके हाइड बटन्स कर देता हूँ, टोटल यहाँ से हटा देता हूँ, कैश ऑनलाइन भी यहाँ से हटा देता हूँ, और फिर इसको यहाँ से छोटा करके यहाँ डालता हूँ। अब जो कैश है वो होगा डार्क, यहाँ यहाँ रुक जाइए, राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल, सॉरी दोनों में डालना था ना, राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल, एक ही पे डेटा है, प्लस से भी ला सकते हैं डेटा लेवल, डेटा लेवल, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसमें हम देते हैं परसेंटेज वैल्यू उठा देते हैं कैटेगरी में डाल देते हैं, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क रेड होगा ऑनलाइन, और ये जो कलर होगा ग्रीन होगा लाइट ग्रीन। तो आपका डैशबोर्ड बन के तैयार होगा, मैं कुछ भी क्लिक करूंगा उसी हिसाब से रन होगा। कल के डेट में आपको क्या करना है, कोई भी डेटा यहाँ अपडेट होता है डेटा अपडेट कर सकते हैं। अभी मेरा जूम 45 मिनट पूरा हो गया है तो खत्म हो गया है, अभी नेक्स्ट जो है दोबारा से मुझे इसको शुरू करना होगा, बेसिकली मेरा वो एक्सपायर हो गया है, मैं बिलिंग नहीं हुई है शायद, लग रहा है।
ये हमारा बन के रिपोर्ट तैयार हो गया। तो पिवट टेबल के माध्यम से हमने, मतलब आप नीचे जो एक्स्ट्रा हमने लाइनिंग दे रखा है उस लाइनिंग को मैं यहां से हटा देता हूं। अभी छोटी मोटी चेंजिंग तो हर कोई कर सकता है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, हैंग क्यों होने लगा। अच्छा सिस्टम कई दिनों से बंद नहीं हुआ है मेरा। अतीत जी तो रिपोर्ट कैसी लगी आपको सर? यस यस सर, बढ़िया सर, ये ट्राई करेंगे एग्जैक्टली. एक्चुअली इसमें कुछ वो डैशबोर्ड के अंदर क्या सर? स्पीडोमीटर का कहीं से यूज होता है ना सर, स्पीडोमीटर वाला डैशबोर्ड. हाँ वो करेंगे, अभी तो पीवर डैशबोर्ड पे ही है। आप पीवर डैशबोर्ड से आगे निकलेंगे फॉर्मूले डैशबोर्ड पे, ठीक है? हाँ, तो फॉर्मूले वगैरह तो मैंने आपको कराई ही है ना, फॉर्मूला कराया था. ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, उस पर प्रैक्टिस कीजिए यस सर, और इसको फॉर्मूले के थ्रू कैसे बनाना है अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि तो पिवट में देखिए डन सर. हैंग हो रहा है, हाँ रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा, डेटा लाइव अपडेट नहीं होगा, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम पिवट डैशबोर्ड में होती है, ठीक है? बट पिवट यस डैशबोर्ड में बात होती है कि किसी को भेजना है तो आपको उसके साथ उसका डेटा भेजने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तो पिवट के अंदर ही डेटा कैरी होता है। लेकिन जब पिवट टेबल डेफिनेटली डैशबोर्ड आप बनाते हैं, नॉर्मल डैशबोर्ड बनाते हैं, तो आपको उसके साथ उसका डेटा भेजना पड़ जाता है, ठीक है सर? यस सर. ये हमारी पिवट डैशबोर्ड थी जो कि आपके सामने हमने बताया। अब इसको मैं भेज देता हूँ फाइल, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल हम बात करेंगे इसके ऊपर, यस सर, थैंक यू. ठीक है सर? यस सर. चलिए।